वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज लेके आया हूँ डीगेट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एज यू नो डे टू डे ट्रांजैक्शन, बेसिकली एमएनसीज में बहुत सारी यूज़ होता है दोस्तों इसका, ठीक है। ये मैंने रॉ डम कहीं से उठाया है या फिर खुद से टाइप किया हुआ है समझ लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वर्कआउट करने के लिए ऐसे कुछ डम्स अपने को लगते हैं, राइट। सो वैसे एक मैंने कुछ डेटा पुट किया है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप ये डेटा रखो, आपके पास अगर कुछ और डंप है आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन गाइस, ठीक है। सो ये सिंटैक्स है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ अ डी गेट, ठीक है, डेटा बेस गेट, ठीक है। सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, डेटा बेस गेट। तो इसमें क्या करेगा, वो एक वैल्यू पुल करेगा एट अ टाइम, सिंगल वैल्यू पुल करेगा जो डेटाबेस से अपन वैल्यू पुल कर रहे हैं, ठीक है। ये डी गेट करके हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग फंक्शंस भी है, डी सम, डी एवरेज, डी प्रोडक्ट, डी सम एंड डी मिनिमम मैक्सिमम एज वेल, ठीक है। सो अपन पहले डी गेट समझ लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप वो बाकी के फंक्शन समझ जाओगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे पुट करना है एम्प्लॉय लास्ट नेम मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं फॉर्मेट डालूंगा एम्प्लॉय लास्ट नेम में, ठीक है। उसके अगेंस्ट फर्स्ट नेम आना चाहिए डायरेक्टली। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फार्मूला पुट करूँगा C11 में, ठीक है। वहाँ पे मैं डालूँगा इज इक्वल टू डी गेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे एट्रीब्यूट सिखा रहा है, राइट, डेटा बेस कॉमा फील्ड कॉमा एंड दी क्राइटेरिया, ठीक है। सो डेटाबेस में मैं डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा पहले, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सच वीडियोज आई डू नो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर यू गाइज, ठीक है। सो डी गेट फंक्शन अगेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेटा बेस सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स पूछ रहा है, सो फील्ड्स वी लुकअप में जैसे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉलम 1, 2, 3 के आपको पता है कौन से कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे पता है कॉलम नंबर 3 में है, राइट, विच इज़ माई लास्ट नेम, राइट। वहाँ से मुझे डेटा पुल करना है, तो मैं कॉमा देके 3 डालूंगा, यहाँ पे कॉमा दिया, और मुझे क्राइटेरिया उसके अगेंस्ट क्या चाहिए, तो मुझे ये दो फील्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे अपने को हेडर भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है, राइट। सो डी गेट में यही एक है, आपको हेडर भी सिलेक्ट करना पड़ता है। ब्रैकेट में कंप्लीट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर वर्क, और मैंने ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है सुमन देशमुख, नाउ इट्स रिफ्लेक्टिंग में, ठीक है। ये मैं वैल्यू को दोनों दिखा दे रहा हूँ मैच करके, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। दोस्तों क्राइटेरिया फील्ड आपने जो देखा था अभी, सपोज यहाँ पे दो नेम हो, ठीक है, आभा, ठीक है, दोनों सेम सरनेम के भी है, ठीक है, लेकिन लोकेशन वो लोग का अलग है, ठीक है, लेकिन वैल्यू भी और मुझे एम्प्लॉय आईडी भी वो लोग का डिफरेंट है, लेकिन नाम और फर्स्ट नेम आप देखा जाएगा दोनों का सेम है, लेकिन इस टाइम ये डी गेट फंक्शन वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए अपने को क्राइटेरिया का यूटिलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं उसको, ठीक है, सिंपल। अभी वो नम करके एरर रहेगा, देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसे एरर रहेगा अगर मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ तो क्राइटेरिया करके मैं डाल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्राइटेरिया के बेस्ड मैं कैसे कर सकूंगा इसको, और अल्टीमेटली अपने को वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं वैल्यू आपको दिखाता हूँ, मैंने नीचे टेबल रखा हुआ है, डिलीट कर दूँ पहले, ठीक है, ये डिलीट कर दिया, वर्किंग ऑन इट, ओके, वैलिडेशन, लोकेशन हुआ, अब ये कुछ लोकेशन सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये पूरा क्लियर कर देता हूँ पहले ताकि आप सब देख पाओ, ठीक है, कैसे मैंने वर्कआउट किया, ठीक है, लोकेशन है, वर्किंग ऑन इट। दोस्तों टाइमिंग वापस एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। इज इक्वल टू देता हूं मैं डी गेट फंक्शन, ठीक है, यहां पे लोकेशन में दे रहा हूं मैं लास्ट नेम के, यहां पे सॉरी, ये पूरा टेबल टेन सिलेक्ट किया, डेटा बेस से था फील्ड्स में कौन सी फील्ड चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन मैं फील्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं जो फील्ड्स अपने को चाहिए कॉलम वाइज, जैसे वी लुकअप में देखते हैं अपन विच कॉलम यू वांट टू टेक अ लुक इनटू इट, सो मैं थर्ड कॉलम में देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट नेम मुझे लास्ट नेम के अगेंस्ट में फेच कर रहा हूँ जो फर्स्ट नेम एंड लोकेशन जो है, राइट, तो इसलिए सो ये किया मैंने, उसके बाद में क्राइटेरिया पूछ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्टिंग में अपन फर्स्ट हेडर और नॉर्मल वैल्यूज था, तो यहाँ पे दोनों
हेडर सिलेक्ट करने हैं अपने और नीचे वैल्यू को सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे वो वैल्यू क्राइटेरिया अपना बैठ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डालूँगा वो फर्स्ट नेम सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन डालूँगा, कौन से वाले लोकेशंस पे जो पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है, ठीक है, उसका नाम, ठीक है। तो ऑटोमेटिक दिखेगा यहाँ पे। यहाँ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो उतना नहीं दिखाएगा डेटा, तो इसलिए अपने को वो अगेन न्यू फॉर्मूला मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं होगा, या फिर मुझे फ्रीज करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को होल्ड करके, ठीक है, जो अपन शिफ्ट प्रेस करके डॉलर साइन देते हैं, राइट, फॉर रिलेटिव वैल्यू एंड रेफरेंस वैल्यू उसके लिए। तो लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, मैं सीधा जाके यहाँ पे डिलीट मार के नया फॉर्मूला ऐड कर दूँगा, सो ईजी रहेगा मुझे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है डी गेट फंक्शन, आपको वापस दिखा रहा हूँ। डी गेट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डेटा बेस वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा फील्ड्स, जो फील्ड्स है मुझे थर्ड यहाँ पे दी थी थर्ड, तो यहाँ पे मेरा कुछ आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि मैं एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, ठीक है, कॉमा दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया दो लोकेशन, ठीक है। ये करने के बाद मुझे कुछ इस तरह की डेटा दिख रही है, ठीक है। ये तीनों सिलेक्शन किया मैंने, ये तीन वैल्यू ये देख लेना आप, ठीक है, करेक्ट है। और मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों कि डी गेट के बाद में अपने पास कुछ और फंक्शंस भी है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कुछ डी सम करके है, तो मैं चलो लिख के बताता हूँ आपको, ये कुछ एरर दे रहा है मुझे, डायरेक्ट नहीं देगा, तो मैं ये कुछ डी सम, ठीक है, उसके बाद में डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी प्रोडक्ट एंड हाँ मैं भूल गया उसमें लिखने का, लेकिन डी एवरेज करके भी एक है, ठीक है। डी सम क्या करता है, डी सम आपको वैल्यू देता है डेटाबेस में जितना है वो उसकी पर्टिकुलर, ठीक है। डी मिनिमम आपको यूज़ होगा टोटल कुछ डेटा रहेगा, ठीक है, डेटा उसमें से कुछ कॉलम में मिनिमम वैल्यू जो है वो फेच करेगा डी मिनिमम से, ठीक है। डी मैक्सिमम सेम लाइक मिनिमम, बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको शो करेगा। डी प्रोडक्ट पे आते हैं, डी प्रोडक्ट वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोडक्ट, यू नो आई मीन ऑप्शन आई कैन से, और माय फंक्शन, ठीक है। सो इसमें कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है, और डी एवरेज में क्या होता है, टोटल एवरेज दिखाया जाती है वहाँ पे, डी एवरेज लिखना भूल गया वहाँ पे, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द टुडे सेशन एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट प्लीज गिव अस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।